हम सभी ने बचपन में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था कि हमें कैसे मिली थी स्वतंत्रता, क्यों बुलाया जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, किन किन के बलिदान के बाद हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। लेकिन क्या आज की फिल्मों में दिखाया जाता है ये पूरा सच? जिन स्वतंत्रता सेनानी के नाम हम जानते हैं, क्या उतने काफी हैं? शायद नहीं, क्योंकि अब जो फिल्म रणदीप हुड्डा लेकर आए हैं वो ऐसे ही एक सेनानी की कहानी दिखाती है जिनके बारे में हमने ना ज्यादा पढ़ा और सुना है। बात हो रही है वीर सावरकर की। ये फिल्म वीर सावरकर की बायोपिक है जिसका डायरेक्शन भी खुद रणदीप हुड्डा ने ही किया है। वहीं ये पहला मौका है जब वो किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। लोग रणदीप हुड्डा की एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे हैं। इस मूवी में रणदीप हुड्डा के साथ सलमान खान के शो बिग बॉस 17 में नजर आने वाली टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अहम भूमिका में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप बायोपिक नहीं बल्कि कोई सुपर हीरो की कहानी सुन रहे हो जिसने कान्होजी आंगरे से लेकर भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा और सुभाष चंद्र बोस सबको इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये फिल्म आपके दिमाग में ये नरेटिव सेट करने की कोशिश करती है कि इस देश को आजादी सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर की वजह से मिली। अगर रिव्यू की बात की जाए तो फिल्म को लोगों के ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में महात्मा गांधी को विलेन के रूप में दिखाया गया है जो उन्हें पसंद नहीं आया। वहीं कुछ लोगों ने वीर सावरकर का कैरेक्टर बहुत पसंद किया है। उम्मीद है कि रणदीप हुड्डा एक अभिनेता के साथ साथ निर्देशक के रूप में भी एक नया पन्ना पलटेंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें स्टोरी हाउ।